माननीय राष्ट्रपति महोदय, हम सभी भारतीय रेल सिग्नल अभियांत्रिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी आपके आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय का अंश हमें दिया, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका दिया हुआ संदेश निरंतर हम सबके लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। लगभग पिछले 1.5 वर्ष में हमने भारतीय रेल के विभिन्न संस्थानों, विशेषकर भारतीय रेल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी संस्थान सिकंदराबाद एवं भारतीय रेल की राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा द्वारा व्यापक एवं विविधतापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया। संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम हम सभी के लिए एक सुखद, ज्ञानवर्धक एवं अविस्मरणीय अनुभव रहा। हमें रेलवे के सिग्नल तंत्र एवं प्रौद्योगिकी संबंधित ज्ञानार्जन के साथ ही प्रबंधन एवं नेतृत्व का कौशल अर्जित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। प्रबंधन में नैतिकता विषय पर आधारित एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगी, जिससे हमें यह सीख मिली कि अंततः एक प्रभावी प्रबंधक वही हो सकता है जो मूलतः एक नैतिक प्रबंधक हो। भारत में रेल की शुरुआत एक औपनिवेशिक उपक्रम के रूप में हुई, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात इसके चरित्र और स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होता रहा, और आज यह संस्था देश के उन चुनिंदा संगठनों में शुमार है जो लोक सेवा की नित नई परिभाषा लिखने में व्यस्त है। भारतीय रेल के इस ऐतिहासिक बदलाव में IRSSE अभियंताओं का योगदान विशेषतः उत्कृष्ट रहा है। यदि रेल की पटरियों को इस देश की शिराओं और धमनियों के रूप में देखा जाए तो सिग्नल सेवा अभियंता वह हृदय हैं जो इनमें जीवन प्रवाहित करते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि लोक सेवा की भावना, कार्यक्षेत्र में लगन एवं देश के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पण के साथ हम सदैव भारतीय रेल की सुरक्षा एवं दक्षता को निखारते रहेंगे। हमने एक ऐसे समय में भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण किया जब इस देश में लोक परिवहन को पुनः परिभाषित किया जा रहा है। आज इस देश के करोड़ों नागरिक सस्ते सफर के साथ ही भारतीय रेल से यह अपेक्षा भी करते हैं कि उनकी यात्रा सुरक्षित, आरामदायक, यथासमय और तीव्र हो। अतः आज के समय में यह हमारा दायित्व है कि हम उनकी इन अपेक्षाओं पर खरे उतरें और उन्हें बेहतर रेल परिवहन की सेवाएं प्रदान करें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें रेल सिग्नल की अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करना होगा तथा प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान एवं कौशल का सही क्रियान्वयन करना होगा। हम प्रसन्न और उत्साहित हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और निर्णायक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी जा रही है। हमारे संपूर्ण प्रशिक्षण का सारांश जयशंकर प्रसाद जी की इन पंक्तियों में समाहित है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आशीष उजलैन जी को बुलाना चाहूंगी। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी, I, Ashish Ujlayan, currently undergoing training at the Indian Railways Institute of Transport Management, Lucknow, would begin by expressing my gratitude for inspiring the 2016 batch of Indian Railway Traffic Service officers with your kind words. Sir, the IRTS plays a torch-bearing role in managing the operations and earnings of the Indian Railways. Indian Railways is not just an egalitarian platform for 1.3 billion Indians, but it is a huge cultural outfit that echoes the values of equality, liberty, and fraternity as envisaged in our constitution. And it is our quest as IRTS officers to foster and strengthen these values, thereby bringing railways to each and every individual of the country. The academic and technical training imparted have made us competent professionals, capable of understanding consumer perspective and taking up challenges that lie ahead. 1 month long Bharat Darshan gave us a glimpse of real India and the social, cultural and economic aspects that build its rich fabric. Also, various green initiatives at IRITIM have enabled us to think towards more sustainable models of operations for Indian Railways. As we continue to undergo training, we pledge to add value by identifying the areas of development and resolving key issues. From catapulting the Indian economy with our freight and passenger trains to introducing world-class amenities. From fully digitizing operations to providing user-friendly and efficient consumer interfaces. From running trains in the Himalayas to bullet trains. We are determined to bring not just a mode of transport conforming with the Indian Railways vision, but an extraordinary experience for everybody associated with Indian Railways. Vayam Rashtriya Jagrayam. Hum Rashtra ke prati jagrit hon. With this motto, we intend to fulfill our dream of an India beaming as a superpower with world-class infrastructure accessible to all segments of the society, our repertoire of achievement and infinite talent distinguished by its people who stand tall together as proud Indians. We pledge to speed up the economic and development engine of the nation by taking Indian Railways from strength to strength,
in being the number one mode of transport in the country. That is a symbol of safety, care and fraternity. Jai Hind. Now I would like to invite Jyoti upon the dais. माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं ज्योति महतो, भारतीय रेल कार्मिक सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी, अपनी सभी साथियों की तरफ से अनुभव साझा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। एक सिविल सेवक बनने का सपना तो भारतीय रेल से जुड़कर साकार हो गया, परंतु हमारे सपनों का सिलसिला भी वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार से आगे बढ़ चला और इसी कड़ी में हम सब ने एक और सपना देखा, रेल को भारतीय विकास का अग्रगामी इंजन बनाने का सपना। एक उत्साही प्रशिक्षु से एक संवेदनशील अधिकारी बनने का हमारा सफर दिसंबर 2017 में भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा से प्रारंभ हुआ। बुनियादी पाठ्यक्रम फेज़ वन, फेज़ टू एवं प्रबंधन प्रशिक्षण में रेल सेवा एवं कार्मिक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को समझने के भागीरथी प्रयास में हमारा काफ़ी समय व्यतीत हुआ, परंतु कार्यक्षेत्र में हमारी तलवार भी यही है और ढाल भी। इस समग्र प्रशिक्षण के आखिरी चरण में हम कर्मचारी सशक्तिकरण को एक नया आयाम देने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि उत्साही कर्मचारियों की फौज ही उन्नत रेल की बुनियाद है, जो कि उत्कृष्ट भारत की आधारशिला भी है। वह उत्कृष्ट भारत जहां विकास के सोपान हर नागरिक की पहुंच में हो, जहां ज्ञान, विज्ञान और कला राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार बने, जहां की सुदूरतम भूमि भी इस ऐतिहासिक दरबार से केवल भौगोलिक रूप से दूर हो, आत्मिक रूप से नहीं। रेल की पटरियों पर भारत भ्रमण ने हमें यह आभास कराया कि रेल न केवल इस देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है, अपितु एक सांस्कृतिक सेतु भी है, जिस पर समरसता का इंजन अनेकता में एकता का सदाबहार संदेश लेकर गुजरता है। महोदय, आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हम भारतीय रेल को सामाजिक एवं आर्थिक विकास का वाहक बनाने का प्रण लेते हैं और इस उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए निष्काम भाव से अपने आप को समर्पित करने का विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद। अब मैं अपने सह प्रशिक्षुक कृष्णा को मंच पर आमंत्रित करूंगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई कृष्णा ऑन बिहाफ ऑफ IRSU 2016 बैच वुड लाइक टू शेयर आर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। अ जर्नी विद इंडियन रेलवे बिगेन ऑन 31st जुलाई 2017 एट इरिसन पुणे। व्हेन वी फर्स्ट एंटर्ड द गेट्स ऑफ आर एकेडमी, we were nothing but a crowd of eager young minds, segregated and diverse culturally and academically. Today, all of us stand before you as united, determined and rational civil servants who have shed their prejudice and inhibition and are ready as responsible, accountable and visionary civil engineers. To achieve this, the training designed by our academy have extensive classroom sessions accompanied with field training. While the classroom session instilled a sense of discipline and officer-like quality, field training made us true railway professionals in every sense. During our field training, we were introduced to maintenance of track and construction activities, where we understood that for train operations, synergy and coordination of multiple departments is very essential. Some of the memorable field visits were the Chinab Bridge in Jammu and Kashmir, which is the highest arch bridge in the world, and the Bogiwheel Bridge in the state of Assam, built over mighty Brahmaputra River, which enables better connectivity to northeastern states. The tireless efforts put in by the engineers and the workforce in those highly rugged and mountainous terrain, taming rivers and cutting through rocks, have evoked a conscience to serve the nation. We do not just carry people, but lives. We do not just carry goods, but the economy. We do not just connect places, but we weave the nation together. We dream of a nation which is very strong economically, socially, and culturally. A corruption-free India where people get opportunity to work. Even poorest of poor have access to food, education and medical facilities. A country which is strong not only as military power, but also as economic power, where honor and welfare of country comes first, always and every time. At the end, we assure you, sir, we all are enthusiastic to serve the nation and will give our best to reach the aspirations of people of this country. Jai Hind. Now I would like to request Ms. Anam Siddiqui on dais. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आज मैं इस सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं नमन करती हूँ। महोदय, आज हम भारतीय रेल लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए ये अत्यंत गौरव एवं सम्मान का विषय है कि हमें आपके समक्ष अपने विगत 14 माह के प्रशिक्षण के अनुभवों का वर्णन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे प्रशिक्षण का प्रारंभ सितंबर 2017 में
बयानवे सिविल सर्विसेज फाउंडेशन कोर्स से हुआ, जहां अन्य लोक सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रति हमें सखा भाव स्थापित किया गया। तत्पश्चात हमने भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा में प्रवेश किया। यहां हमें रेल संचालन एवं प्रशासन की बुनियादी शिक्षा दी गई, जिससे हमें यह अनुभूति हुई कि रेल वास्तव में हमारे भारतवर्ष की जीवन रेखा है। इसके बाद हमारा मूल विभागीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, जिसमें पूर्व निर्धारित व्याख्यान के अतिरिक्त हमें फील्ड प्रशिक्षण के जरिए विभिन्न रेल संस्थानों, उत्पादन इकाइयों और रेल जोन्स में अपने क्षेत्र की वास्तविकताओं से अवगत कराया गया। जम्मू कश्मीर की उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लाइन से लेकर पूर्वांचल की अद्भुत वादियों तक रेल की कई परियोजनाओं को हमने देखा। वर्तमान में अपने कार्य क्षेत्र लेखा एवं उसके सरलीकरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु हम फरीदाबाद में अध्ययनरत हैं। हम भारतीय रेल लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों का मूल ध्येय लोक वित्त के न्यासी के रूप में प्रत्येक पैसे को ग्राहकों की संतुष्टि एवं सुविधा के निमित्त व्यय सुनिश्चित करना है। भारतीय रेल परिवहन का आधुनिक, सुरक्षित, तेज और आरामदायक साधन बने और अपने कुशल प्रचालन से भारत की वृद्धि और विकास का सारथी बन देश के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, यही हमारा उद्देश्य है। आज इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन में हम भारतीय रेल लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इस उद्देश्य की सफलता हेतु हम आपके मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन की कामना करते हैं। जय हिंद। अब मैं डी जसवंत कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं डी जसवंत कुमार, भारतीय रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियरों की सेवा की ओर से हमारे प्रशिक्षण के अनुभवों को माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हमारा संस्थान भारतीय रेलवे मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान सन 1888 में स्थापित सबसे पुराना केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान है और तब से इसने उत्कृष्ट इंजीनियरों एवं प्रबंधकों का प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है। भारतीय रेल परिवार के सदस्य के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग रोलिंग स्टॉक जैसे कोच, वैगन, लोकोमोटिव, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, ब्रेकडाउन क्रेन के डिज़ाइन, निर्माण, मेंटेनेंस एवं ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तदनुसार हमने निर्माण प्रक्रियाओं की बारीकियों को सीखने के लिए MCF रायबरेली, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, RCF कपूरतला, DLW वाराणसी एवं रेल पहिया कारखाना के अत्याधुनिक प्रक्रियाओं को करीब से देखा। इन संगठनों ने भारतीय रेलवे एवं देश को आत्मनिर्भर बनाया। फील्ड यूनिट्स के प्रशिक्षण में हमने देखा कि परिसंपत्तियों की उपलब्धता, संरक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए जोर दिया गया है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सभी कोचों में बायोटॉयलेट्स लगाने का निर्णय लिया गया। नायर एवं अन्य विभागीय संस्थानों में हमारे प्रशिक्षण ने हमें ट्रेन संचालन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में सक्षम बनाया। हमारे प्रशिक्षण में तकनीकी जानकारी के साथ साथ मानव संसाधन प्रबंधन एवं नैतिक प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि हमें अपने पहले ही कार्य से ही एक बड़े कार्यबल के साथ काम करना है एवं संभावित नैतिक दुविधाओं को पहचानते हुए निर्णय लेना है। आज इस सुअवसर पर हम आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से करते हुए भारतीय रेल एवं राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं श्री गौरव सिंगला को आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आज भारतीय रेलवे भंडार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारीगण संघ मैं गौरव सिंगला इस ऐतिहासिक दरबार सभागृह में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च प्रतीक अर्थात आपके सन्मुख उपस्थित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भारतीय रेलवे भंडार सेवा सार्वजनिक खरीद मानदंडों के आधार पर भारतीय रेलवे की लगभग 50,000 करोड़ की आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करती है और स्क्रैप की बिक्री से लगभग 3,000 करोड़ का राजस्व प्रतिवर्ष इकट्ठा करती है। अब मैं आपको प्रशिक्षण गतिविधियों के बारे में संक्षेप में अवगत करवाना चाहूँगा। हमने 31 जुलाई 2017 को भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी वडोदरा में अधिकारी प्रशिक्षु के रूप में परिवीक्षा प्रारंभ की। क्षेत्रीय प्रशिक्षण में हमने अनेक जोन, मंडल, विभिन्न रेल कारखाने, क्रिस,
भारतीय रेलवे के विभिन्न केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त भारतीय संसद, भारतीय मानक ब्यूरो जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान हमने देखा कि भंडार विभाग ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सक्षम साधनों को अपनाया है एवं आपूर्ति श्रृंखला के संपूर्ण सरगम को भारतीय रेलवे ने ई खरीद प्रणाली विकसित करके निर्बाध तथा मूल्यवर्धित प्रवाह प्रदान किया है। डिजिटलीकरण ने भारत सरकार अनुरूप सभी हितधारकों के बीच उन्नत विश्वास स्तर के साथ साथ व्यापार करने में आसानी में सुधार के साथ पारदर्शिता एवं दक्षता के उद्देश्य को महसूस करने में मदद की है। भंडार विभाग की 97% से अधिक स्वदेशी खरीद ने आज मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दिया है। संस्थागत प्रशिक्षण के दौरान हमें भारतीय रेलवे भंडार सेवा की कार्यप्रणाली संबंधित प्रावधानों, नियमावलियों एवं कार्यों के विनिर्देशों के बारे में अवगत करवाया गया। हमने प्रशिक्षण के दौरान ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समयबद्धता जैसे विभिन्न गुणों को आत्मसात किया है। यह गुण हमें अपने कर्तव्यों को प्रतिबद्धता एवं लगन के साथ साथ पारदर्शी तरीके से अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा को अक्षुण बनाए रखेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में तन मन से अपना योगदान देंगे। जय हिंद। अब मैं वर्षा शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। Honorable President Sir, I, Varsha Shukla, on behalf of Indian Railway Service of Electrical Engineers, am very honored and humbled to share our rich training experience with you. All of us here can say with immense pride that we have joined an organization with mighty history, aptly termed as the lifeline to the nation. Touching the lives of millions of people every day and thus playing a role in national integration, on July 31st, 2017, we entered this prestigious government service with our hearts elated with joy. As our alluring training started, we made innumerable friends and had once-in-a-lifetime experience at Nair and Irene. Teachings of our able professors, senior officers, and interaction with various dignitaries during our training gave us an insight of the numerous years of rich experience of working in Indian Railways. It feels like yesterday when we were catching our breath while trekking in the pleasant landscapes and bonding over tea in our CTIs when months of classes prepared us for the field training. It took us across the length and breadth of the country, from Jammu Tawi to Kanyakumari and Porbandar to Dhansari in the beautiful land of Northeast. The language of smile and compassion broke the communication barrier. We learned that no person or post was higher or lower. Every good working profession has some knowledge to impart and some experience to share. The world was getting real. The training imparted seemed more relevant and the responsibilities more concrete. As Indian Railway probationers being trained to manage this mammoth organization, we acknowledge the tremendous responsibilities as well as challenges that all of us are going to face in our jobs. We are now eager to prove our mettle by converting these challenges into opportunities and serve our country to the best of our capabilities and thus contribute to nation building, which in the words of our Honorable President itself is not built by governments alone. Nation building requires national pride. Each citizen of India is a nation builder. So today we bow to the 125 crore citizens of this country and promise to stay true to their trust. Each one of us here is a custodian of India's well-being and of the legacy that will pass on to the coming generations. On behalf of all the probationers present here, I would like to thank you sincerely for inspiring and guiding us all as we embark on this journey from being probationers to officers. We shall cherish this throughout our lives. I would like to end here with the famous lines of Muhammad Iqbal. Diyare ishq mein apna maqam paida kar. Naya zamana, nayi subho sham paida kar. Jai Hind. Now I would call upon Ankur Mohan to speak on behalf of his service. माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगणों को मेरा सादर अभिवादन। आज इस विशिष्ट अवसर पर दो शब्द कहने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं अंकुर मोहन, प्रशिक्षु अधिकारी रेलवे सुरक्षा बल, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
इस अवसर पर मैं सभी रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से माननीय महोदय के प्रति गहरा सम्मान व हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। महोदय, हमारे प्रशिक्षण की शुरुआत भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी में 10 हफ्ते के फाउंडेशन कोर्स से हुई। इसके पश्चात जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी में हमारा 35 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण आरंभ हुआ। खाकी वर्दी पहनकर हम सब ने गर्व, सम्मान एवं जिम्मेदारी को महसूस किया। हमारा संस्थागत प्रशिक्षण मूलतः दो भागों में विभाजित था, इंडोर एवं आउटडोर। इंडोर प्रशिक्षण में हमने कानून, अपराध, संगठन, रेल की कार्यप्रणाली को व रेलवे सुरक्षा बल की कार्यनीति को गहनता से समझा। आउटडोर प्रशिक्षण में शारीरिक, सैनिक एवं शस्त्र प्रशिक्षण के द्वारा हमें स्वस्थ एवं अनुशासित बनाया गया। महोदय, प्रशिक्षण के दौरान लिंग संवेदीकरण और सर्वोत्तम मानवीय प्रथाओं पर नियमित कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनसे कि समाज के वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति और करुणा की मजबूत भावना हमारे अंदर विकसित हुई। प्रमुख संस्थानों जैसे CBI, IB एवं NSG के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने हमें नवीनतम सुरक्षा प्रणालियों और तकनीकी उपकरणों से अवगत कराया। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों ने हमें अपनी रचनात्मक क्षमताओं को पहचानने और अपने व्यक्तित्व को व्यापक रूप से विकसित करने का मौका दिया। प्रशिक्षण ने मुझे और मेरे साथियों को पूरी व्यावसायिकता और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया, जिससे कि हम एक कुशल प्रशासक बन सकें। महोदय, हम भारत को एक विकसित और समावेशी समाज बनाने की कल्पना करते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और हम रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य इस जीवन रेखा को सुरक्षित रखने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। हमारे कंधे पर एक सितारा हमें आकाश के लाखों सितारों से अधिक मूल्यवान है और हमें यशोलभस के अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए प्रेरित करता रहता है। महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगे व राष्ट्र निर्माण में प्रबल योगदान देंगे। जय हिंद। चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री वी के यादव, मेंबर्स ऑफ द रेलवे बोर्ड, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन रेलवेज, अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, यंग ऑफिसर ट्रेनीज, आई वेलकम यू ऑल टू राष्ट्रपति भवन एंड कांग्रेचुलेट यू फॉर योर सिलेक्शन टू द प्रेस्टिजियस रेलवे सर्विसेज। योर सिलेक्शन टू द प्रेस्टिजियस सर्विसेज मार्क्स अ बिग personal milestone for each one of you, and your family must be proud of you. While you celebrate your success, do not lose sight of the bigger goals and responsibilities that lie ahead for each one of you. All of you, in your own ways, will get an opportunity to contribute to Indian Railways and serve millions of Indians each day. You are from different Group A services. Some of you are from the civil services and some of you are from the engineering services. These different services in the Indian Railways are like different colors of a rainbow. Think of yourself as a key player of Team Railways. This team will be as good as each one of you and your respective services. Like an ideal team player, each of you has to place the interest of the railways and that of the people of India above anything else. You should all be inspired by a common vision to best serve the people and strengthen the magnificent national institution called Indian Railways. जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे जीवन में और आधुनिक दुनिया के इतिहास में भारतीय रेल का एक अनूठा स्थान है। भारतीय रेल ने संस्कृतियों के बीच आपसी आदान प्रदान सुगम बनाकर पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है और ऐसा करके राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा दिया है। हम सब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने जब भारत और इसकी विविधता को गहराई से
समझना चाहा तो रेल यात्रा पर ही भरोसा किया। आपके लिए यह गर्व की बात होनी चाहिए कि आप उस समय रेलवे को ज्वाइन कर रहे हैं जिस समय पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। रेलवे नेटवर्क की मदद से हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को जीवित रखने तथा उनका प्रसार करने में भी मदद मिलती है। चाहे कुंभ मेले में जाने वाले करोड़ों लोगों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाया जाना हो या फिर दुनिया भर में लोगों के रोमांच का केंद्र रहने वाली पैलेस ऑन व्हील्स की जादुई भव्यता हो, भारतीय रेल की मोहक यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही है। हम सभी के हृदय में रेल यात्राओं की मधुर स्मृतियां मौजूद हैं। बच्चों के लिए विशेषकर किसी रेलगाड़ी का आगमन और उसकी सीटी की आवाज़ आज भी विशेष आनंद का अवसर देती है। दूसरे लोग भी अपने मित्रों और परिजनों से जुड़े रहने के लिए रेलवे पर निर्भर हैं और रेलगाड़ी के भरोसे ही लोग अपने घर बार से दूर रोजगार व्यापार की तलाश में निकल पड़ने का हौसला कर पाते हैं। यंग ऑफिसर्स, इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू मॉडर्नाइज द रेलवेज। ओनली अ फ्यू डेज अगो, एज यू ऑल नो, द प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द अल्ट्रा मॉडर्न वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाराणसी। ट्रू ऑफ द विजन ऑफ मेक इन इंडिया, द मेजर सिस्टम्स ऑफ दिस ट्रेन हैव बीन डिजाइंड एंड बिल्ट इन इंडिया। दिस वॉज नॉट एन ऑर्डनरी फ्लैगिंग ऑफ ऑफ अ न्यू ट्रेन, इट वॉज एन ओकेजन दैट शोकेस्ड द रिसेंट थ्रस्ट ऑन मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियाज राइजिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। द वंदे भारत एक्सप्रेस सेट्स न्यू बेंच मार्क्स ऑफ स्पीड, सेफ्टी एंड सर्विस। अ कपल ऑफ मंथ्स अगो द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द बॉबी गिल रेल कम रोड ब्रिज इन असम एंड फ्लैग ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन पासिंग थ्रू द ब्रिज। दिस ब्रिज इज ऑफ इमेंस इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस फॉर द नेशन सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एरिया। लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस, दिस ब्रिज टू इज अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड ट्रैवल टाइम फॉर पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू एंड विद इन द नॉर्थ ईस्ट। द थ्रस्ट ऑफ द रेलवेज टू अटेनिंग बेटर कनेक्टिविटी फॉर अवर नॉर्थ ईस्ट इज लॉडेबल। Another landmark achieved by Indian Railways recently is the successful elimination of all unmanned level crossings on the broad gauge network. This is a phenomenal achievement that symbolizes the zeal of Indian Railways to minimize accidents and make rail travel safe. I am sure that all of you would further infuse Indian Railways with an innovation culture, modern technologies and management practices to better serve the nation in times to come. All of you have joined an institution that provides a unique opportunity to serve the nation. As we start your long career, I urge you all to lead a life of optimism and develop a sense of positivity, and of course, serve with the highest professional and ethical standards. This will allow you to make meaningful changes both at your workplaces as well as in the society at large. It will also allow you to nurture a spirit of innovation and emerge as solution providers in the midst of challenges. I wish you all a long and fulfilling career. Thank you. Jai Hind.